हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसेस ना क्लास 12 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन 1/x, वेन जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता है तब, और जो वेन जब एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखिए हमें कहता है और आगे कहता है देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। देखिए यहाँ पे हमें यानी डिफ्रेंसिबिलिटी नहीं कहता है चेक करने के लिए, यहाँ पे निकालने के लिए कहता है देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में यानी कि बताए थे, यानी एफ एक्स दिया हुआ था तो एफ डैश टू कैसे निकालते थे, तो यहाँ पर एफ डैश जीरो निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, यानी कि आप एल एच डी नहीं निकालिए और आर एच डी नहीं निकालिए, यही दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए हम आपको बताए थे फॉर्मूला, यानी कि एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, ये बताए थे ना। तो यहाँ पे देखिए हमें एफ डैश जीरो कहता है वैल्यू निकालने के लिए, तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे देखिए एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाय एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि जीरो प्लस एच और एफ जीरो का वैल्यू कौन कौन सा होगा। तो देखिए वेन जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता तो ये कंडीशन, जब एक्स जीरो के इक्वल होता है तो ये कंडीशन, तो इसमें ये कंडीशन हो जाएगा और इसमें ये कंडीशन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे देखिए यानी कि ये जो है यहाँ पर हम ये यानी कि ये जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच का होल क्यूब साइन 1/0 + h माइनस एफ जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा बाय ये एच है तो ये हमारा कितना होगा, तो h हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए ये लिमिट h टेंस टू जीरो, ये देखिए h प्लस, ये हमारा होगा जीरो प्लस एच क्यूब, तो ये हमारा एच क्यूब इंटू साइन ये साइन 1/h, ये जीरो तो जीरो ही हो जाएगा बाय h। अब देखिए यहाँ से h को मन लेकर हम काट देते हैं, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ से h को मन ले लेंगे तो ये 1 + h² इंटू साइन 1/h बाय h होगा। ठीक है, अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई कर देते, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, तो ये बचा है लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 + h² ये देखिए इसको हम यानी कि साइन 1/h / 1/h एच है एन नहीं है गुने 1/h, इसको हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इनको हम फॉर्मूला पर लाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है। तो अब देखिए यानी कि हम यहाँ पर वैल्यू चिपकाएंगे तो ये 1 + 1 + इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, और ये 0, तो ये हमारा 0 अर्थात ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा। एक बार हम आंसर देख लेते हैं इसका कितना दिया हुआ है, इसका 2 का फर्स्ट नंबर का यानी 2 का एक ही आंसर दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस एफ डैश 0 इक्वल टू 1, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।